सफर खूबसूरत है मंजिल से भी ज्यादा। और आज का हमारा सफर है हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन का, जहां पे 2020 से पहले विंटर्स में जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब क्योंकि अटल रोहतांग टनल खुल गई है इसलिए मनाली से लाहौल पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। और चंद्रा और भागा रिवर के किनारे पर सिचुएटेड लाहौल की मनाली से जर्नी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जब भी नेक्स्ट टाइम मनाली आए, एटलीस्ट एक दिन स्पेयर रखें मनाली के साथ लगते इस कोल्ड डेजर्ट रीजन को घूमने के लिए, जिसका नाम है लाहौल। अटल रोहतांग टनल के थ्रू आप मनाली से लाहौल पहुंच सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के टाइम में। पिछले साल तक विंटर्स में लाहौल जाना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि लाहौल पहुंचने का एक ही रास्ता था और वो था रोहतांग पास के थ्रू होते हुए जाना। और क्योंकि रोहतांग पास की एलिवेशन बहुत ज्यादा है इसलिए यहाँ पर विंटर्स में बहुत बर्फ पड़ती है और ये रास्ता खोलना पॉसिबल नहीं था, और रोहतांग पास का रास्ता एक्सेसिबल रहता था सिर्फ समर्स में। और क्योंकि इस साल अटल रोहतांग टनल खुल गई है इसलिए लाहौल पहुंचना एक आसान काम हो गया है, और हमने भी डिसाइड किया इस विंटर सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करने का। और अगर आप भी मनाली या लाहौल घूमने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम आपका ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाएं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, और साथ ही आप अपनी क्वेरीज इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। अटल रोहतांग टनल को क्रॉस करने के बाद जब हम लाहौल वैली में एंटर करते हैं तो लाहौल का फर्स्ट विलेज आता है सिसु। लाहौल वैली में एंटर करने के बाद जब आप यहां के खूबसूरत नजारों को देखते हुए ड्राइव कर रहे होंगे, तो यहां के नजारों के अलावा भी आपको एक चीज बहुत अच्छी लगेगी, वो है यहां के वेल मेंटेन्ड रोड्स। यहां के रोड्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बट फिर भी आपको यहां पे स्लोली ड्राइव करना है क्योंकि यहां पे स्टीप कर्व्स होते हैं और पहाड़ों से कई बार लैंडस्लाइड्स भी होते रहते हैं। चंद्रा रिवर के किनारे पर ड्राइव करते हुए और साथ ही में इन बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों को देखना आंखों के लिए एक बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस होता है, और साथ ही जब इन बर्फ के पहाड़ों पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स से वाटरफॉल्स निकलते हैं तो इस जर्नी का मजा दोगुना हो जाता है। लाहौल क्योंकि एक न्यूली ओपन्ड लोकेशन है इसलिए यहाँ पर आपको बड़े बड़े होटल्स या कैफेज तो नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पर रुकने के लिए आपको होम स्टेज और कॉटेजेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाहौल पहुंचने पर हम अपना सबसे पहला ब्रेक ले सकते हैं सिसु में। सिसु में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिसु लेक भी है, और साथ ही में हम सिसु वाटरफॉल तक एक छोटा सा ट्रैक भी कर सकते हैं। सिसु वाटरफॉल का पानी इन पहाड़ों पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स से आता है। पूरी लाहौल वैली के लोग राजा घेपन जी को अपना भगवान मानते हैं, और राजा घेपन जी में इनकी बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। लाहौल में ही लोकेटेड घेपन माउंटेन राजा घेपन जी का स्थान माना जाता है, और साथ ही में सिसु में राजा घेपन जी का एक मंदिर भी है जहां पे आप माथा टेक सकते हैं। आप हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी चले जाएं, चाहे शिमला हो, मनाली हो या किन्नौर हो, हर गांव के अपने देवता होते हैं। यही तो हिमाचल की खास बात है और इसे देवभूमि कहलाया जाता है। साल के 5 महीने पूरी लाहौल वैली बर्फ से ढकी रहती है, और बाकी महीनों में यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में लाहौल का हाई क्वालिटी आलू, मटर, गोभी, आइसबर्ग और भी बहुत सारे प्लांट्स यहाँ के एक्सपोर्ट क्वालिटी के उगाए जाते हैं। और लाहौल वैली पूरे इंडिया के सबसे ठंडी जगहों में से एक है, क्योंकि विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर जाता है। और क्योंकि यहाँ पर विंटर्स में टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है इसलिए यहाँ पर स्नो भी बहुत ज्यादा पड़ती है, और आने वाले टाइम में लाहौल एक विंटर स्पोर्ट्स की कैपिटल जरूर बनेगा, और आप यहाँ पर स्कीइंग, स्केटिंग और बहुत सारे विंटर स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
अगर आप लाहौल घूमने आना चाहते हैं तो आप लाहौल अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं या फिर मनाली से बाइक रेंट पर लेकर भी आप लाहौल पहुंच सकते हैं। और साथ ही मनाली से केलोंग के लिए फ्रीक्वेंट बसेस भी चलती रहती हैं, इसलिए आप इस सफर को बस में भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप समर्स में लाहौल आ रहे हैं तो आप गाड़ी इजीली ड्राइव कर सकते हैं, बट अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी 4x4 होनी चाहिए और साथ ही में आपको स्नो में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगर आपको स्नो में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए और मनाली से ही कोई लोकल टैक्सी हायर करके आप लाहौल घूम सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। सिसु और गोंदला गांव को क्रॉस करने के बाद लाहौल में जो अगला गांव आता है वो है तांदी। तांदी गांव में चंद्रा नदी और भागा नदी का संगम स्थल भी है। ये दोनों नदियां मिलने के बाद चंद्रभागा नाम से जानी जाती हैं, जिसे हम चेनाब नाम से भी जानते हैं। तांदी क्रॉस करके हमें रोड्स पर दो डायवर्जन मिलेंगी। एक रास्ता लेह लद्दाख को चला जाता है तो दूसरा रास्ता त्रिलोकीनाथ उदयपुर होते हुए चंबा की तरफ को जाता है। ये रोड साच पास के थ्रू होते हुए जाता है और वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस रोड भी माना जाता है। तांदी क्रॉस करने के बाद जो अगली जगह आती है वो है केलोंग। केलोंग लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है और साथ ही में यहाँ का सबसे बड़ा टाउन भी है। केलोंग में एक छोटी सी मार्केट भी है जहां पे आपको बेसिक नीड्स की सारी आइटम्स इजीली मिल जाएंगी। जबकि बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में हमें पीक सीजन्स में पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती और साथ ही में देखने को मिलता है तो सिर्फ बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल, बट लाहौल स्पीति अभी भी पूरे इंडिया में एक सबसे अनटच टूरिस्ट डेस्टिनेशन कही जा सकती है। लाहौल वैली के लोग बहुत ही पोलाइट और हेल्पफुल हैं और साथ ही यहाँ का खाना भी बहुत डिलीशियस है, इसलिए जब भी आप लाहौल आएं तो यहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करें। जब चारों ओर इतनी ज्यादा बर्फ हो और ठंड भी इतनी ज्यादा हो कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो, तो यहाँ के लोग अपना लाइफस्टाइल कैसे जीते हैं ये देखना भी एक कभी ना भुलाने वाला एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, ये इस लाहौल की वीडियो का एंड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें।